ओके गाइस, तो हमने स्टार्ट किया हुआ था टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, जिसमें हमने पढ़ लिए थे दो मेथड, जो कि है सिंपल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। तो आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए, IEX एग्जाम के लिए। तो हर एक क्वेश्चन में इसका न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले, सभी गेम जो है इन दो चीज़ों पर ही घूम रही है, डिमांड या एक्चुअल डिमांड या एक्चुअल सेल्स, जो मर्जी बोल दीजिए इसको, एक बात है, और जो फोरकास्ट जो कि हमने क्वेश्चन में निकालना होता है वो अलग बात है। तो फोरकास्ट को हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड डिमांड भी, मतलब फोरकास्ट का क्या मतलब है, हमने अनुमान लगाना है। तो इसका हमने पहले कर लिया था अभी क्या होता है मीनिंग, तो अभी मैं बता रहा हूँ इसका जो शॉर्ट सिंपल वे में बता रहा हूँ। फोरकास्ट का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिमांड, मतलब हाँ इतनी अनुमान हम लगाएंगे, पिछला डाटा उठा के भी इतना हमारी सेल्स हो सकती है अगले महीने, इसलिए इसको एक्सपेक्टेड डिमांड बोलते हैं। क्लियर? तो इसका करते हैं हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसकी, ठीक है जी, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज। तो ये मॉडिफाइड वर्जन है किसका, वेटेड मूविंग एवरेज जो हमने मेथड किया था। एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है टू बिकम मोर एंड मोर रैपिड। रैपिड का क्या मतलब होता है, एट फास्टर रेट। क्लियर है जी? तो इस मेथड में क्या होगा, जैसे जैसे हमारा डाटा ओल्ड होता रहेगा, हमारा जो वेटेज है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती रहेगी, जो हमने वेटेज देनी है ओल्ड डाटा को वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो देखिए हमने सिंपल मूविंग एवरेज में क्या किया था, फोरकास्ट कैसे निकाली थी हमने, जो सेल्स आई थी उसका क्या करते थे हम, एवरेज ले लेते थे फोरकास्ट निकालने के लिए सिंपल मूविंग एवरेज में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर एक महीने को हम इक्वल वेटेज दे रहे हैं। ठीक है जी, इतना क्लियर है? तो सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड में क्या होगा, ये क्या है, इसमें वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट यूज हमने करना है, और जो वेट हम देंगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता रहेगा, जैसे जैसे हमारा डाटा क्या है ओल्ड होता रहेगा। तो एक्सपोनेंशियली का क्या मतलब है, आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होता है 10^x, तो x का क्या मतलब है, x को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, ठीक है, किसी चीज़ की पावर x। तो मीनिंग क्या है, इन दिस मेथड द वेटेज ऑफ डाटा डिमिनिशेस। डिमिनिशेस क्या मतलब, कमी आती जा रही है एक्सपोनेंशियली एज द डाटा बिकम्स ओल्डर। ठीक है जी, तो इसका सिंपल वे में कहने का क्या मतलब है, रिसेंट ऑब्जर्वेशन को हमने मोर वेटेज देनी है फोरकास्टिंग निकालते समय एज कंपेयर टू ओल्डर ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है? तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज में क्या करना था हमें, क्या महीने संभाल के रखने पड़ते थे उसका डाटा था, फिर उसकी एवरेज निकालते थे। लेकिन इसमें क्या है, इस मेथड की एडवांटेज क्या है, सिर्फ हमें टू फिगर्स आ रिक्वायर्ड। टू फिगर्स का क्या मतलब है, जिस महीने की हमने फोरकास्ट निकालनी है उससे पिछले महीने की हमें चाहिए डिमांड, और उसके पिछले महीने की चाहिए हमें फोरकास्ट। तो जिस महीने की हमने निकालनी है फोरकास्ट, इन दो चीज़ों पर यानी कि टू फिगर्स पर हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें एक फॉर्मूला है, फर्स्ट फार्मूला है FT = FT-1 + α DT-1 - FT-1। तो कुछ बुक्स ये फार्मूला यूज़ करती हैं, कुछ बुक्स ये फार्मूला यूज़ करती हैं। नोटेशंस का फ़र्क है, मीनिंग का कोई फ़र्क नहीं है। तो देखिए फर्स्ट फार्मूले में जैसे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट फार्मूले में एफ टी क्या है, जिस महीने की हमने फोरकास्ट निकालनी है। ठीक है, तो जिस महीने की फोरकास्ट निकाली है उसको एफ टी से हमने नोटेशन दे दी। ठीक है, अब एफ टी माइनस वन क्या है, जिस महीने की फोरकास्ट निकाली है उससे पिछले वाला महीना। क्लियर है ना, टी माइनस वन मतलब उससे एक पीछे वाला महीना। तो डी टी माइनस वन क्या है, उससे पिछले वाले महीने की डिमांड। क्लियर है? तो कहने का क्या मतलब है, जिस महीने की फोरकास्ट निकालनी है
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में सब कुछ पिछले महीने का होगा, ठीक है ना। पिछले महीने की फोरकास्ट प्लस अल्फा पिछले महीने की डिमांड माइनस पिछले महीने की फोरकास्ट। अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा कुछ नहीं है जी, अल्फा सिर्फ कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रहती है 0 और 1 के बीच, ठीक है जी। और वेटेज जो हम कह रहे हैं बात बार बार जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है वेटेज, वो 1 माइनस अल्फा टाइम्स डिक्रीज होते जाएगी जैसे जैसे हमारे जो मंथ्स है ओल्ड होता जाएंगे, मतलब डाटा हमारा ओल्ड होता जाएगा, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला सेम, नोटेशन का फर्क है, मीनिंग वही है। यहाँ पे फर्स्ट वाले फार्मूले में जो था मीनिंग वही, इसमें भी वही मीनिंग है। T+1 जिस महीने की फोरकास्ट निकालनी है, ठीक है जी। तो फार्मूला कोई भी यूज़ करिए, मतलब वही रहेगा। जैसे क्वेश्चन करेंगे इन फार्मूले की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बोल बोल के आपको, मेरी यही रहेगी बोल बोल के आपके माइंड में चला जाए। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू रहती है 2/N+1। एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मंथ्स। तो अल्फ़ा जैसे वैसे गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो इसको मैंने लिखने के लिए लिख दिया, इसको यूज़ हम नहीं करेंगे। कभी अगर आप कहीं पे अटक जाते हैं तो इसको आप यूज़ कर लीजिएगा, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर है अभी तक? तो दूसरा जो मैं फॉर्मूला है वो है हमारे पास ये। तो जो दूसरा रिलेशन है सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड में, वो है हमारे पास FT=α(dt−1). अल्फा पता है सिंपल जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इनटू डिमांड पिछले महीने की, जिस महीने की फोरकास्ट निकाल रहे हैं उससे जो पिछले महीने की डिमांड है, उन दोनों का प्रोडक्ट प्लस अल्फा 1-α(dt−2). तो जैसे जैसे हम पीछे मूव करते आएंगे, 1-α हमारा क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है ना 1-α, वेटेज जो है डिक्रीज होती जाएगी, वेटेज डाटा डिक्रीज बाय 1-α, ठीक है जी। तो 1-α यहाँ पे आ जाएगा दूसरे महीने की, प्लस अल्फा इंटू 1-α का स्केयर DT−3। तो जब जिस महीने की फोरकास्ट निकालनी है उससे तीसरे वाला महीना हम चूज़ करेंगे तो उसकी पावर क्या आ जाएगी? 1-α का होल स्केयर। तो अल्फा अगर है हमारे पास 0.5 सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1-α 0.5, ठीक है जी, प्लस अल्फा इंटू 1-α का होल स्केयर। तो इसका जब स्केयर करेंगे 0.5 का तो और छोटा हो जाएगा, वैसे ही जब इसका क्यूब करेंगे तो और छोटा आएगा, मतलब वेटेज हमारी डिक्रीज हो रही है, कहने का मतलब। तो गेट के क्वेश्चंस में तीन टाइप्स के फॉर्मूले हैं, तीन टाइप्स के मेथड्स हैं, फॉर्मूले नहीं, तीन टाइप्स के जो क्वेश्चंस आएंगे। तो Type 1 क्या है? जिसमें हमारे पास अल्फा गिवन होगा और पिछले महीने की डिमांड और फोरकास्ट हमें गिवन होगी, तो अगले महीने की फोरकास्ट हमें पूछी होगी, तो उसमें हमने Formula 1 यूज़ करना है। Formula 1 कौन सा? ये वाला, ठीक है। Type 2 के क्वेश्चन में क्या होगा? अल्फा गिवन होगा इसमें भी, इसमें एक्चुअल सेल्स या डिमांड गिवन होगी सिर्फ, इसमें फोरकास्ट है किसी महीने की गिवन नहीं होगी, सिर्फ एक्चुअल सेल्स या डिमांड की ही गिवन होगी। तो इसमें F2 जिसमें हमारे पास सिर्फ डिमांड्स वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करना है, ठीक है जी। तो तीसरा टाइप क्या है? जिसमें अल्फ़ा निकालना होगा और इस वाले क्वेश्चन में महीनों की डिमांड और फोरकास्ट गिवन हो सकती है, और इसमें Formula 1 यूज़ करेंगे। तो जल्दी से हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फार्मूले पे इतना हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो जो मैं बताऊंगा आपको वही पे वही दिमाग में रखना है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? Type 1 का ये क्वेश्चन है, इसमें फॉर अ प्रोडक्ट द फोरकास्ट एंड एक्चुअल सेल्स फॉर अगस्त व 40 एंड 30 रिस्पेक्टिवली, इफ एक्सपोनेंशियली स्मूदिंग कॉन्स्टेंट इज
0.5, तो कैलकुलेट सेल्स फॉर सितंबर मंथ। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सेल्स यानी एक्सपेक्टेड सेल्स पूछ रहा है वो, यानी कि फोरकास्ट, ठीक है जी। तो इसमें क्या है हमारे पास, देखिए सॉल्यूशन निकालना है हमने। तो सबसे पहले क्या है, उसने क्या बोला है, फोरकास्ट एंड एक्चुअल डिमांड फॉर अगस्त। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप मंथ लिखोगे, आप डिमांड लिखोगे और आप फोरकास्ट लिखोगे इस तरह के क्वेश्चन में, जिसमें फोरकास्ट डिमांड और अल्फा होगा। तो मंथ कौन सा वो कह रहा है, अगस्त का, तो मंथ के नीचे अगस्त लिख लीजिए। और निकालने के लिए कह रहा है सितंबर, अगस्त से आगे क्या होता है, सितंबर। तो उसने क्या बोला है, फोरकास्ट एंड एक्चुअल सेल्स फॉर अगस्त 40 और 30 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहले होगा वो पहला का डाटा है, जो दूसरा होगा वो दूसरे का। तो पहले क्या है, फोरकास्ट यानी 40, तो फोरकास्ट है अगस्त की 40, और 30 क्या है, अगस्त की ही एक्चुअल सेल्स यानी कि डिमांड। इसमें क्लियर है, तो सितंबर की वो पूछ रहा है एक्सपेक्टेड सेल्स, तो फोरकास्ट पूछ रहे हैं यानी। तो डिमांड तो हमें नहीं पता क्या होगी, वो तो लोग जो खरीदेंगे वो हम एक नहीं पता हमें कितना खरीदेंगे वो, ठीक है, क्या उसका रहेगा ट्रेंड। तो हम क्या है, फोरकास्ट ही निकाल पाएंगे पिछले महीने को देखते हुए। तो इसमें कैसे निकालना है, फोरकास्ट निकालनी है सितंबर की, ठीक है। तो जिस महीने की फोरकास्ट निकालनी है, इक्वल्स टू पिछले महीने की फोरकास्ट लिख लीजिए। तो सितंबर महीने से पिछले वाला महीना अगस्त का है, प्लस अल्फा जिस महीने की फोरकास्ट निकालनी है उससे पिछले वाले महीने की डिमांड यानी कि अगस्त की डिमांड, माइनस उससे पिछले वाले महीने की फोरकास्ट, ठीक है जी। तो जो फार्मूला था वही हमने यूज़ कर लिया है, पर हमने अपना तरीका बना लिया। अभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू सब कुछ यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है पिछले वाले महीने का चलेगा। फोरकास्ट निकालनी थी सितंबर की, इक्वल्स टू फोरकास्ट जिसकी फोरकास्ट निकालनी है जिस महीने की उससे पिछले वाले महीना ले लेना है, प्लस अल्फा इंटू उससे पिछले वाले महीने की डिमांड माइनस उससे पिछले महीने की फोरकास्ट। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, सितंबर महीने की आ जाएगी फोरकास्ट, ठीक है। तो फोरकास्ट अगस्त की क्या थी, 40, अल्फा इसमें गिवन है, डिमांड क्या है अगस्त की 30, फोरकास्ट है 40। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेट करके, 40 + 0.5 × 30 − 40, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। इतना क्लियर है जी। तो क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है, 35 इज द आंसर। तो अब हम करते हैं गेट का क्वेश्चन। तो गेट के क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, टाइप 1 ही रहेगी, पर इसमें थोड़ा सा एक और मंथ उसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, अभी देखते हैं कैसे। तो 2 मार्क्स का आया था ये 2016 में गेट के। द डिमांड फॉर अ टू व्हीलर वॉज 900 यूनिट्स एंड 1030 यूनिट्स इन अप्रैल 2015 एंड मई 2015 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको क्लियर है, जो पहली होगी वो पहले महीने की होगी, जो दूसरी यूनिट होगी वो दूसरे महीने की। द फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015 वॉज दिस मच, कंसिडरिंग स्मूदिंग कॉन्स्टेंट अल्फा दियो है 0.6। तो फोरकास्ट निकालनी है जून मंथ की, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहला स्टेप क्या करना है, हमने क्या बताया, मंथ डिमांड फोरकास्ट। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है अभी, जब आपके पास अल्फा डिमांड फोरकास्ट इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो मंथ कौन कौन से मंथ गिवन है, एक तो है अप्रैल, एक है मई और जून का निकालना है, अप्रैल मई और जून, ठीक है जी। तो डिमांड सबसे पहले डिमांड दी हुई है,
900 यूनिट्स अप्रैल में और 103 यूनिट्स मई में। तो डिमांड के नीचे जाइए 900 अप्रैल, इसमें कोई डाउट। उसके बाद क्या है, फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 850 यूनिट्स। तो फोरकास्ट के नीचे जाइए, मंथ ढूंढिए 850। तो निकालना क्या है उसने, फोरकास्ट जून का। देखिए डिमांड फिर मैं बता रहा हूँ, नहीं बता सकते कितनी होगी, हमने फोरकास्ट निकालनी है। तो जून की हमने निकालनी है फोरकास्ट। तो क्या बताया मैंने, जिस महीने की निकालनी है फोरकास्ट, तो राइट हैंड साइड में क्या करिए, उस महीने का पिछले वाला महीना फोरकास्ट लिख लीजिए। तो जून से पिछले वाला महीना क्या है, मई, उसकी फोरकास्ट लिख ली, प्लस अल्फा उससे पिछले वाले महीने की डिमांड लिख लीजिए, माइनस उससे पिछले वाले महीने की फोरकास्ट। इसमें कोई डाउट? तो देखिए अब फोरकास्ट मई की तो नहीं पता, पता ही नहीं है, दी नहीं हुई। तो इसमें क्या है, एक और स्टेप आ जाएगा। तो वो स्टेप क्या है, सबसे पहले मई की हम फोरकास्ट फाइंड आउट करेंगे। तो मई की फोरकास्ट, किसी चीज़ की फोरकास्ट निकालनी है, सिंपल एक्सपोनेंशियल मेथड से क्या करोगे, जिस महीने की निकालनी है उससे पिछले वाले महीने की फोरकास्ट, मई से पिछले वाला महीना क्या है अप्रैल, प्लस अल्फा जिसकी निकालनी है उससे पिछले वाले महीने की डिमांड, यहाँ पे ब्रैकेट में, माइनस पिछले वाले महीने की फोरकास्ट। तो अब इसको नहीं बोलोगे आप, तो यहाँ से हम फोरकास्ट निकाल लेंगे मई की। तो क्या आ जाएगी, फोरकास्ट अप्रैल की गिवन है 850, अल्फा गिवन है क्वेश्चन में 0.6, डिमांड अप्रैल में क्या है फोरकास्ट, तो फोरकास्ट मई की कितनी आ गई हमारे पास, 850 प्लस 0.6 इंटू 900 माइनस 850, तो 880 आ गई। तो 880 हमने 880 यूनिट्स फोरकास्ट आ गई हमारे पास मई। चलिए तो हमारे पास फोरकास्ट आ गई है मई की 880 यूनिट्स, ठीक है। तो फोरकास्ट आ गई मई की, इसमें पुट कर दीजिए 880 प्लस अल्फा में गिवन था 0.6, ठीक है जी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डिमांड मई की गिवन है, मई की डिमांड इतनी है, माइनस फोरकास्ट मई की जो हमने अभी यहाँ पे निकाली। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 970 यूनिट्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो टाइप वन का कर लेते हैं कोर न्यूमेरिकल, जो कि है गेट 2015 का, 2 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन। तो फॉर ए कैंटीन द एक्चुअल डिमांड फॉर डिस्पोजेबल कप्स वाज 500 यूनिट्स इन जैन एंड 600 यूनिट्स इन फेब। द फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दिया हुआ है, फोरकास्ट निकालना है मार्च का, अल्फा गिवन है, अल्फा यानी स्मूदिंग कॉन्स्टेंट यहाँ इन्होंने दिया हुआ है। तो जल्दी से इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है क्या करना है, मंथ लिख लेना आपको, डिमांड एंड फोरकास्ट। तो मंथ कौन कौन से गिवन है यहाँ पे, देखिए एक्चुअल डिमांड है एक तो जनवरी की, एक है फरवरी की, तो पूछी हुई है मार्च की। तो 3 महीने हैं हमारे पास, जनवरी का है और मार्च, ठीक है जी। तो हमने एक्चुअल डिमांड दी हुई है 500 यूनिट्स जनवरी की, तो एक्चुअल डिमांड यानी कि डिमांड दी हुई है जनवरी के महीने में 500 एंड 600 इन फेब, 600, ठीक है जी। और फोरकास्ट हमें दी हुई है मंथ जनवरी की 400, जनवरी की फोरकास्ट 400। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, मार्च की निकालो आप फोरकास्ट, अल्फा हमारे पास है मार्च की, उन्होंने बोला है फोरकास्ट निकालो, अल्फा गिवन है। तो मार्च की फोरकास्ट हमने निकालनी है, जिस महीने की फोरकास्ट निकालनी है क्या करना है, उस महीने के पिछले वाले महीने की फोरकास्ट लिख लेनी है, मार्च से पिछले वाला महीना क्या है फेब, प्लस अल्फा उससे पिछले वाले महीने की डिमांड, माइनस उससे पिछले महीने की फोरकास्ट, ठीक है जी। अब फरवरी की फोरकास्ट नहीं दी हुई, ठीक है,
तो पहले निकालनी होगी। तो पहले फरवरी की निकालेंगे हम फोरकास्ट, किसी महीने की फोरकास्ट निकालनी है क्या करेंगे, उससे पिछले वाले महीने की फोरकास्ट लिख लीजिए, फेब से पिछले वाला महीना प्लस अल्फा उससे पिछले वाले महीने की डिमांड माइनस उससे पिछले वाले महीने की फोरकास्ट। इतना क्लियर है? यहाँ से आप जल्दी से निकालो फेब की फोरकास्ट, तो ये आ जानी चाहिए फेब की जो है फोरकास्ट, पहले जून जनवरी के लिए 400, उसके बाद है अल्फा 0.75, डिमांड है जनवरी की 500, फोरकास्ट 400। तो ये हमारे पास आ जाएगी 400 प्लस 0.75, तो ये आ गई 475, 475 कप्स। ठीक है जी, 475 को यहाँ पे लिख लीजिए। तो फेब की आ गई हमारे पास फोरकास्ट, मार्च की हमको पूछा है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 475, अल्फा क्या है 0.75, डिमांड क्या है फेब की 600, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस 0.75 600 475, तो आंसर आ गया हमारे पास 568.75, 568.75। तो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में इतने कप्स तो होंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, जो आंसर है आपको वही पुट करना है। बेशक प्रैक्टिकल में 569 कप्स होंगे, ठीक है, इतना क्लियर है ना, तो आंसर जो है वही पुट करना है आपको प्रैक्टिकली जो भी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आंसर आप देख लीजिए 568.75। ऐसे क्या होगा गेट के एग्जाम में वो रेंज दे देंगे, तो रेंज क्या होगी 568.75 से 569 जो भी भरेगा वो आंसर करेक्ट माना जाएगा, लेकिन जो आपको आया है तो आपने वही भरना है। तो इस वीडियो में आई थिंक ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है फिर से, तो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा मैं टाइप टू जिसमें होगा अल्फा गिवन और डिमांड। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।